तो ये कुछ सवाल हैं जिन्हें हम उठा रहे हैं, और आज हमारे साथ हैं पीकेडी नाम्बियार जो बीजेपी समर्थक हैं, और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा अर्थशास्त्री हैं। जो एक बात उन्होंने कही वो ये कि अगर हम ये डिवाइसिव या बंटवारे वाली नीतियां अपनाते हैं तो ये एक सीख लेने की जरूरत है। जैसा श्रीलंका में अगर सोशल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखें, और हमारे यहां भी अगर हम एक सेक्शन को पीछे छोड़ते हैं या अगर समाज में दरार होती है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो पीकेडी नाम्बियार, आप क्या इस बात से सहमत हैं या आप इसे एक चेतावनी की तरह देखते हैं कि अगर समाज में बंटवारा होता है तो जाहिर है कि कोई भी, चाहे कोई भी अल्पसंख्यक हो, अगर पीछे छूटता है तो अब जब समाज में सबको साथ नहीं लेके चलते तो विकास के दर पे असर पड़ता है। मैं मिसाल देना चाहूंगी, पिछले दिनों जो कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे शहर में बार बार देखने को आ रहा है कि एक सांप्रदायिक माहौल, बार बार में प्रोटेस्ट है, विरोध है, एक हिंसक माहौल बनता है, तो एक शहर जो कि एक आईटी हब कहला रहा है वहां पर अगर ऐसा माहौल बनता है तो वो उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रही हूं, बात समझने के लिए कि शायद ये मतलब है कि अगर बंटवारा होता है तो कैसे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, विकास पे असर पड़ता है। आप इस बात से सहमत हैं कि विकास दर कंसिस्टेंट चाहिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो ऐसे डिवाइसिव मुद्दों को छोड़ना चाहिए? नगमा जी, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी समाज के अंदर और कोई भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए समाज के अंदर उस तरह वातावरण होना चाहिए। इसके लिए ना रघुराम राजन की जरूरत है, ना ही कोई अर्थव्यवस्था और जो इकोनॉमिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। एक आम जनता और एक किसी से भी पूछोगे तो, कोई बच्चे से भी पूछेगा तो बोलेगा अगर एक अच्छा वातावरण है। टिप्पणी इसलिए की क्योंकि ऐसा हमारे समाज में हो नहीं रहा है और बंटवारा बहुत गलत है। आप गलती से क्या है कि मैं रघुराम राजन जी को मैं कहता हूं कि एक विजिटिंग ओपिनियन मेकर है। वो क्या है कि हर छह महीने में या तीन महीने में ऐसे एक टीवी चैनल को या भारत में आके हमेशा उनकी उनके नजर में पिछले सात साल में, मैं आठ साल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो लगभग छह सात महीना वो जब मोदी जी का गवर्नमेंट के साथ भी वो आरबीआई का गवर्नर रहे थे, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पूरा सात साल के बारे में वो कहते हैं। बट आज गलती से उनका मुंह से ये गिरा। अगर आपने ध्यान से एक बार और सुनोगे, पिछले दस साल से इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और इकोनॉमी नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये कि यूपीए टू का कार्यकाल से इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वो उस टाइम पे वो खुद आरबीआई का गवर्नर था, तो ये आप कम से कम उन्होंने ये तो गलती से भी उनके मुंह से गिर गया, वो मान लिया है। नाउ आते हैं जो श्रीलंका और भारत को जो भी मैं कहता हूं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, इतना तो इकोनॉमिक्स हम सबको जानते हैं, आप भी इतनी बोल बोल कर सुन सुनकर आपने भी सीख लिया होगा, आपको कोई बड़ा इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। भारत और श्रीलंका को जो कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूं उनको वापस स्कूल में जाना चाहिए, नॉट इवन कॉलेज नहीं, पर उन्होंने बीजेपी ने स्वागत किया उनके बयान का। वो श्रीलंका को कंपेयर नहीं कर रहे थे और कहा श्रीलंका से हमारी स्थिति कोसों दूर है, पर वो सोशल और एथनिक यहां पर जो सामाजिक मुद्दे हैं उसकी ओर इशारा कर रहे थे कि अभी हम ठीक हैं लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम इस तरह के मुद्दों को उछाले नहीं तो इसका असर विकास पे और अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। वो तो आप भी मान रहे हैं कि हाँ। नगमा जी, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि भारत को एप्पल को एप्पल से कंपेयर करो, जो बंदा एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करेंगे तो मैं उनको यही कहूंगा ना कि उनको जानकारी नहीं है, वो फिलहाल सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे। मैं कल पहली बार रघुराम राजन ने पहली बार कुछ पॉजिटिव चीज हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था के बारे में कहा, फिर भी उसके ऊपर भी एक सम काइंड ऑफ क्वेश्चन ये जो डालना कि ये इसमें ये है वो है। आपको पता है जो यूएस के अंदर यूएस का इकोनॉमी, मेरे साथ जो पैनल में बैठा हुआ जो अर्थशास्त्री है उनसे पूछ लीजिए, पिछले दो क्वार्टर में यूएस का अर्थव्यवस्था कितना, फर्स्ट क्वार्टर में 1.9% करने के लिए, तो आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को तो वैसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए मजबूत अर्थव्यवस्था है। मैं आपको नगमा जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, वो पिछले पांच मिनट आराम से बोला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो हम क्या करते हैं जनरली आमतौर पर, सीधा हम बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका से कंपेयर करते हैं जब इधर प्राइस राइज होता है या और कोई भी ऐसे विषय होगा, और या कुछ अच्छा हिंदुस्तान करते हो तो सीधा हमारी फ्लाइट उठ के हम चले जाते हैं यूरोप में या अमेरिका में। मैं सिर्फ उल्टा आपसे ये पूछना चाहता हूं, पिछले दो क्वार्टर में ये अमेरिकन इकोनॉमी में मेरे हिसाब से 1.9% पहला
क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ इकोनॉमी का, सेकेंड क्वार्टर में 0.6% कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो एक दुनिया के अंदर ये रघुराम राजन को भी और मेरे साथ जो पैनल में है उनको भी ये समझना चाहिए, एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है ग्लोबल, बट कभी कभी अर्थशास्त्री को हालत हो गया। मैं आपको एक बार क्यों रिबट, मैं आपसे इनसे पूछ लेता हूँ कि काउंटर क्वेश्चन, अगर उनका बात अगर सही है, मैं खुद साउथ से बिलोंग करता हूं, मैं समझता हूं कि देश के अंदर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैव ऑलवेज डन बेटर। मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूं, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे जो वेस्ट इंडिया जिसको गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र, ये कोई कम किया हुआ है? मेरे ख्याल से देश के अंदर का जो दो पहला इकोनॉमी है महाराष्ट्र और गुजरात, इनके बारे में अर्थशास्त्री का क्या टिप्पणी है बता दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना एकदम लंबी चल सकती है, पर मेरे पास समय इतना ही है, मैं माफी के साथ आपको इस समय रोकना इसलिए चाह रही हूँ। मुद्दा हमारा यही था और यही समझना था कि इस पे अलग अलग व्यूज हैं कि क्या सामाजिक बंटवारा जो है वो ऐसा है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।